मजकर हमारे बिहार देख रहे हैं। अब मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। नड्डा के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे समेत कई नेता पहुंचे। एयरपोर्ट पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात की है और इसके बाद जेपी नड्डा का जो है कार्यक्रम रहेगा, पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में सांसद विधायक के साथ कई नेता इस अभियान से जुड़े हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। समय भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक बैठक आहूत की गई है। जेपी नड्डा आया है और ये जो बैठक है सांसद विधायक विधान पार्षदों का बैठक है और सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक है। इस समय वंदे मातरम गीत से गाया जा रहा है और लोगों को खड़ा होकर के अपने वंदे माते गीत गा रहे हैं और ये बैठक अब थोड़ी देर में शुरू होगी और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बगल में विनोद तावड़े जी हैं, बगल में जेपी नड्डा हैं, उनके बगल में दलित जायसवाल हैं, उनके बगल में सम्राट चौधरी हैं, उनके बाद संगठन मंत्री जो हैं भाजपा प्रदेश के वो भीकू भाई दलसानिया हैं और इधर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इधर में सारे आगे के रो में सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रेम कुमार जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, अश्विनी चौबे जी हैं और बहुत सारे नेता हैं फर्स्ट रो में। उसके पीछे विधान पार्षद विधायक भी हैं और वंदे मातरम गीत चल रहा है और इस गीत के बाद इस बैठक की शुरुआत होगी और ये बैठक मुख्य रूप से सदस्यता अभियान को लेकर के है और ये बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है सदस्यता अभियान को लेकर के। तो ये कहना कहीं से भी नहीं है कि भाजपा जो है वो सदस्यता अभियान को लेकर के काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी गंभीर है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन कशिश, न्यूज पटना। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांग खिलाड़ी बीजेपी ऑफिस में सम्मानित होने के लिए पहुंचे, खिलाड़ियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे हुए हैं। इस समय वो एक बैठक कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। बैठक के बाद पैरालंपिक में जो मेडल जीता है उन खिलाड़ियों के साथ वो रूबरू होंगे, उनको सम्मानित करेंगे। हम इस समय उन खिलाड़ियों के साथ हैं। पहले खेल प्रकोष्ठ के ये अधिकारी हैं, भाजपा खेल प्रकोष्ठ के वो हैं। सामने में देखिए कि पैरालंपिक में जो मेडल जीते हैं वो खिलाड़ी हैं। क्या कैसा लग रहा है आज जेपी नड्डा जी आपको सम्मानित करने वाले हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग को धीरे धीरे लोग सम्मानित कर रहे हैं, इससे एक अच्छी अवेयरनेस भी जाएगा और जो भी लोग है घरों में पड़े हैं उनको भी पता चलेगा कि किसी कारण हादसा हो जाता है तो वो भी खेल के माध्यम से राष्ट्र का और नेशनल में इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना सकते हैं। क्या अभी तो आप मेडल जीत करके आए हैं, किस चीज़ में जीते हैं और आगे क्या है संभावना कि आप और अच्छा करें? इससे पहले हम लोग लगातार 3 बार व्हीलचेयर नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट रहे हैं, 2 बार सिल्वर, एक बार ब्रॉन्ज। अभी अपकमिंग हमारा एक इवेंट है 1 अक्टूबर से, तो हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, उम्मीद है टीम अच्छा करेगी। तरह का फीलिंग हो रहा है, आप एक जिस तरह से मैदान में अपना कर्तव्य दिखाती हैं लेकिन आपके कर्तव्य का यहाँ सम्मान मिल रहा है, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला को आगे बढ़ाया जाता और डिजेबल को इतना आगे बढ़ाया जाता। बिहार में बहुत कम लोग हैं कि आगे बढ़ रहे हैं और डिजेबिलिटी, तो ये हमको लगता है कि सारे डिजेबल हैं जो महिलाएं हैं, पुरुष तो आगे बढ़ ही रहे हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने कार्यालय में बुलाकर और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम सभी बाकी लोग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं लेकिन हमारे दिव्यांगजन और दिव्यांग खिलाड़ी के परम मित्र हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जब रियो में ओलंपिक हुई थी 2016 में मात्र 4 पदक जीता था, अभी 29 मेडल जीते हैं और उसमें से 7 स्वर्ण पदक और जो है हमारा 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा हुई कि सभी स्टेटों में
जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जाए। दिव्यांग जन जिस तरह से आज उत्साहित हैं, एक तो खेल के मैदान में मेडल जीत करके या मैदान पर अपना कर्तव्य दिखा करके उत्साहित रहते हैं, लेकिन इस सम्मान से काफ़ी उत्साहित हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन कशिश, न्यूज पटना। खेल जगत में अपना नाम जिन्होंने कमाया है, बहन श्रेयसी सिंह जी, सम्मानित मंच और हमारे पैरालंपिक्स के सभी खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स में जो स्थान बना है और जो विदेशी होके आए हैं उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरालंपिक्स के अंदर प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति पाई उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। ओलंपिक्स को में हमारी भागीदारी बढ़े इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बनाकर के काम को आगे बढ़ाया और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा